जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं खुद भी बिलीव नहीं कर रहा था। कुछ लोग मुझे, मैंने रिजल्ट नहीं देखा था, कुछ लोग मुझे डायरेक्ट बता रहे थे कि आपका रैंक एक, मेरा CDPO रैंक वन रिजल्ट आया, ठीक है ना। मेरे दोस्तों ने मुझसे झाड़ू लगवाया, ठीक है। अच्छा हमारे बिहार में सिविल सर्विसेज का एक बहुत बड़ा सा क्रेज है, हाँ केस ठीक है। और BPSC के लिए मैंने कुछ 1 या 1.5 महीने, जब मेरे एग्जाम्स नज़दीक आ गए थे, उस समय में मैंने स्पेशली इसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया। ऐसे BPSC के लिए मैंने पर्टिकुलरली NCERT और ल्यूसेंट वाली बुक को और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, इसको स्पेशली मैंने 1 से 1.5 महीने के अंदर अपनी रिविजन स्ट्रेटजी के साथ मैंने करना है। GS 2 की बात है तो मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने देखे, जो भी लास्ट 15 ईयर्स में BPSC ने वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा था, तो उसके मैंने प्रॉपर नोट्स तैयार किए विद डायग्राम्स, जहाँ पॉसिबल हो मैंने मैप्स, ताकि अगर 10-15 आंसर में आपका आंसर विद डायग्राम हो, मैप्स हो, आपके आंसर में केस स्टडीज हो, इसके लिए आस्था पर हमने सर से बात की है, ठीक है। एक कोई प्रोग्राम होगी उसके लिए ओके मैं 2.5 घंटे में पेपर फिनिश करने की कोशिश की जाए, प्रैक्टिस जब वो कर रहे हो तो। और मल्टीपल प्रैक्टिस इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खास करके कोई कितना भी ब्रिलियंट है, उन्हें लिखना पड़ेगा, ये राइट, काम उन्हें करना ही पड़ेगा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो थैंक यू। सर पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा नाम राजा प्रताप है, मैं बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मैं पिछले 3 साल से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में यहाँ कर रहा हूँ, और JNU से मास्टर्स कर रहा हूँ ज्योग्राफी से। और अभी रिसेंटली मेरा रिजल्ट BPSC के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम CDPO कहलाती है, उसमें मेरा रैंक 1 आया है। और अभी रिसेंटली एक दूसरी रिजल्ट भी BPSC 67 कंबाइंड की जो रिजल्ट आई है, उसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर का मुझे पोस्ट मिला है। ओके सर, तो सर ये से आपका रिजल्ट आया था 67th वाला, तो उसमें क्या आपके फैमिली के रिएक्शन क्या थे, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी हो चुके थे। हाँ बिल्कुल, CDPO का जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं खुद भी बिलीव नहीं कर रहा था। कुछ लोग मुझे, मैंने रिजल्ट नहीं देखा था, कुछ लोग मुझे डायरेक्ट बता रहे थे कि आपका रैंक एक आया है, तो ये बिलीव करने जैसा लगता भी नहीं है। राइट राइट, क्योंकि वन एक हाँ वन बिल्कुल, डिजिट मुझे में लग था। रहा था कि मुझसे कोई मजाक कर रहा है। हो सकता है रिजल्ट आया हो तो मेरी सिलेक्शन हो गई हो, लेकिन रैंक 1 मैंने विश्वास नहीं किया था। और जब जानते हैं कि एक बार अगर किसी की रैंक आ जाती है, तो उसके बाद दूसरा सिमिलर नेचर का जॉब उतना ज़्यादा मायने नहीं रखने लग जाता है। राइट तो हमारे परिवार में जब लोगों ने दूसरा रिजल्ट फिर से सुना, तो उन लोगों के और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ी कि अब UPSC में रैंक रैंक लाना, ला सकते राइट बिल्कुल रैंक ला सकते हैं। और इन 2 रिजल्ट से मेरा मोराल भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ, और मुझे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा और भी भरोसा हुआ कि और मैं काफ़ी बेहतर कर सकता हूँ। एक कभी एक एस्पिरेंट थे और एक्सपीरियंस डायरेक्ट अफसर बने, तो क्या आपको लगा, क्या क्या चीज बदल सी गई है, क्या क्या बदलाव देखने को मिले आपको। देखिए, बदलाव मुझे लगता है कि बाहरी दुनिया में, बाहरी दुनिया के सोच में हो जाती है थोड़ी बहुत। मैं उतना ज़्यादा बदलाव मैं अपने अंदर मैं नहीं महसूस कर रहा हूँ। ओके मैं उसी तरह से मिल रहा हूँ लोगों से जिस तरह से मैं पहले मिला करता था, दोस्तों के साथ भी उसी तरह से। मैं एक बात बताऊँ, जिस दिन मेरा CDPO रैंक 1 रिजल्ट आया, ठीक है ना, मेरे दोस्तों ने मुझसे झाड़ू लगवाया, ठीक अच्छा है। दोस्त पता नहीं कैसे तो होते हैं बिल्कुल, तो मतलब ऐसी दोस्ती मतलब मैं भुला नहीं सकता भाई। यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जर्नी में। हाँ थोड़ा सा जब मैं सेपरेट हो रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मेरे दोस्त भी आज मेरे साथ होते तो बहुत अच्छा होता, और मैं विश करता हूँ कि अगले साल तक वो भी मेरे साथ हो। बिल्कुल डेफिनेटली जरूर होंगे सर। तो सर आप ये बात किए थे BPSC, तो आपकी प्लानिंग कहाँ से चल रही थी BPSC, क्योंकि आप सिविल भी कर रहे थे तो बीच में एकदम वो BPS में बिल्कुल, ऐड कैसे हो। देखिए, हमारे बिहार में सिविल सर्विसेज का एक बहुत बड़ा सा क्रेज है, हाँ क्रेज ठीक है। और हम मानते हैं कि UPSC वन ऑफ द तो नहीं कहना चाहिए, द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसकी जर्नी मेरी UPSC के लिए ही शुरू हुई थी, जो अभी जारी है। अभी हमने जो 23rd वाला है, इसमें हमने मेंस लिखा हुआ है, और मैं वेट कर रहा हूँ आई होप सर इंटरव्यू कॉल का, थैंक यू। लेकिन घर से एक प्रेशर होता है हमारे तरफ जनरली, कि कोई भी एक सर्विस हो जानी चाहिए। जी, कुछ ना सेटल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ चीज़ों में, लेकिन हमारे घर वाले उन्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि उन्हें UPSC का नेचर मालूम नहीं है। राइट तो मुझे लगा कि अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, और शायद मेरे पास इससे बेहतर मौका कुछ नहीं एक हो अग्नि सकता। वृक्ष जैसा राइट। बिल्कुल,
सर आपकी जो स्ट्रेटजी की बात करें तो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस टाइप की थी बीपीएससी को लेकर? देखिए, बीपीएससी के लिए मैंने कुछ एक या डेढ़ महीने, जब मेरे एग्जाम्स नज़दीक आ गए थे, उस समय में मैंने स्पेशली इसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया। ऐसे देखा जाए तो जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तो शुरुआती दौर से ही इस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। हालांकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो जनरल आइडियाज मेरे पास सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर के था। बीपीएससी के लिए मैंने पर्टिकुलरली एनसीईआरटी और ल्यूसेंट वाली बुक को और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, इसको स्पेशली मैंने 1 से 1.5 महीने के अंदर अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ मैंने करना शुरू किया था। इसमें कितना मॉक टेस्ट आपने यूज़ किया, कितना मॉक टेस्ट दिया आपने? मॉक टेस्ट मैं यूपीएससी के लिए दिया करता था, ठीक है, मुश्किल से। मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट इसके लिए नहीं लगाए थे। मैंने क्योंकि मॉक टेस्ट के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी पहले से क्लियर थी। टाइम मैनेजमेंट में भी मैं बहुत अच्छे से कर लेता था, तो मैं ज़्यादातर रिवीजन पे मैंने फोकस किया था। नहीं सर, थोड़ा रोकूंगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जी तो जी क्या करें कि टाइम मैनेजमेंट कर पाए अपने आंसर को थोड़ा अच्छे से? देखिए, बीपीएससी प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपना पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद उन्हें लगता है कि 2 आवर उनके लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता है, ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, जी, उन्हें मल्टीपल पेपर देने की ज़रूरत है। कोशिश करें ऐसे लोग कि वो 1.5 आवर में पेपर फिनिश करने का, तभी जाकर के 2 आवर में वो एक्चुअल और रियल एग्जामिनेशन को वो फिनिश कर पाएंगे। तो 1.5 आवर के लिए उन्हें क्वेश्चंस काफ़ी तेज़ी में पढ़ना, बिल्कुल अगर पहले से अच्छी रिवीजन है तो बहुत तेज़ी में वो आंसर भी पिक करेंगे, ठीक है, और एक माइंडसेट के साथ कि एक एटरेशन में हम जाएं, एक क्वेश्चन से लेकर के 150वें क्वेश्चन तक उनका वो सारे के सारे आंसर्स का बबल फिलिंग कर ले। सेकंड एटरेशन के लिए जाएं, ठीक है, जहाँ पे 50-50 वाला लग रहा है कि तो उन्हें कलेक्ट करें। फिफ्टी फिफ्टी थर्ड वाले एटरेशन में जाएं, उसके बाद उन्हें लगता है कि अगर हमारा 125 या 130, अगर उनकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी नहीं हो रही है तो 135 तक भी उन्हें अटेम्प्ट लेना पड़ सकता है। तो लास्ट एटरेशन में वो कुछ ऐसे क्वेश्चन शामिल कर सकते हैं जिन्हें उन्हें लग रहा है कि 50-50 वाली बातें बन रही है, तो उसमें से कोई एक पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते। चूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि काम बेहतर तरीके से करेगा जब अब नेगेटिव मार्किंग आ गया है तो, हाँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, 67 तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हमें 150 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करने होते थे उसे। तो आपकी स्ट्रेटजी काफी इजीली है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या है ना कि क्वेश्चन वन से ही करते हुए चलते हैं, तो देखते हैं तो हाँ पहुंचते पहुंचते बिल्कुल उनका टाइम समाप्त हो बिल्कुल, जाता है। पहले मैं भी यही करता था, लेकिन मुझे जहाँ तक फील हुआ कि कुछ क्वेश्चंस हमारे लास्ट वाले टाइम में बहुत इजी क्वेश्चंस रहते थे जो छूट जाते थे, हाँ, ऐसा ठीक देखा है, गया बहुत तो सारा। मुझे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद पता चलता था कि ये सारे क्वेश्चंस मैं कर सकता था बट मेरे पास टाइम ही नहीं बचा पढ़ने टाइम का, नहीं बचा, तो फिर जाकर के मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई और अच्छा काम किया। बहुत अच्छा सर। तो मेंस की इसके साथ बात करें तो मेंस की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी एसए को लेकर और GS1 GS2 को लेकर? देखिए, जहाँ तक बात है कि ऐसे न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, मेरे 67th में ऐसे नहीं था, और जहाँ तक GS1 एंड GS2 की बात है तो मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने देखे, जो भी लास्ट 15 ईयर्स में बीपीएससी ने वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा था, तो उसके मैंने प्रॉपर नोट्स तैयार किए विद डायग्राम्स, जहाँ पॉसिबल हो मैंने मैप्स और ग्राफ्स ये सब चीज़ मैंने अपने नोट्स में ही मैंने डाले थे, ताकि मैं याद करके डायरेक्टली उसे मैं लिख पाऊँ और लिखते टाइम मुझे कहीं रुकना ना पड़े। और इसकी मैंने प्रैक्टिस भी पहले कर रखी थी ताकि रियल एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं नहीं आए। हो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी GS1 और GS2 के लिए थी। था जो बीपीएससी एस्पिरेंट उनका कमेंट आया था कि वो डायग्राम कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है तो वो कितने नंबर बढ़ा सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप सिंपल स्टेटमेंट फॉर्मेट में अगर आप आंसर लिखते चले जाते हैं तो मोनोटोनस आंसर हो जाता है, ठीक है, और इस तरह के आंसर अगर 10-15 आंसर आ गए एग्जामिनर के पास तो फिर उनका एक तरह से कहें तो मूड खराब हो जाता है और मे भी उसका शिकार आपको बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर 10-15 आंसर में आपका आंसर विद डायग्राम हो, मैप्स हो, आपके आंसर में केस स्टडीज हो, तो आपका आंसर यूनिक सा लगेगा, दूसरों से राइट डिफरेंट लगेगा, और राइट, वाकई अगर एग्जामिनर हैप्पी होते हैं आपके क्वेश्चन को देख करके तो
मतलब कि आपको रिवॉर्ड किया जा सकता है बहुत बेहतर तरीके से। प्रीलिम्स की सेम सिचुएशन मेंस में आती है टाइम को लेकर, बिल्कुल इस टाइम को इसमें भी मैं यही कहूंगा कि 2 से 2.5 घंटे में पेपर फिनिश करने की कोशिश कीजिए प्रैक्टिस जब वो कर रहे हो तो, और मल्टीपल प्रैक्टिस इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खास करके कोई कितना भी ब्रिलियंट है उन्हें लिखना पड़ेगा, ये काम उन्हें करना ही पड़ेगा, और लिखने से ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि सर यूपीएससी में तो टाइमिंग मिलता है मेंस के लिए, लेकिन बीपीएससी में टाइम नहीं मिलता मेंस के लिए, तो अपनी आंसर राइटिंग को कब से स्टार्ट कर दें? हाँ, ये है कि बीपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आई थिंक बहुत कम टाइम देता है, तो 2 तरीके हैं इसके। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कुछ जीएस का अगर आइडिया आ गया है, तो आप ऐसे 15 दिन में या फिर वीक में या फिर 1 महीने में 2-3 आंसर 2-3 ऐसे आप लिख सकते हैं। कोशिश करें आप 1-2 आंसर, अगर आप जीएस में, अगर आप करंट अफेयर्स पे कुछ काम किया हुआ आपने, कुछ आपने पॉलिटी में पढ़ा है, तो पॉलिटी से आप आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए। ये काम आप प्री से पहले भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और अगर प्री काफ़ी नज़दीक है तो प्री के रिजल्ट के बाद करें आप। प्री के रिजल्ट के बाद, सॉरी, प्री का एग्जाम आप देकर के आते हैं उसके बाद करें, क्योंकि 1 से 1.5 महीना बीपीएससी लेती है रिजल्ट प्रिपेयर करने में, 1 से 1.5 महीने, और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फिर से 1 से 1.5 महीने का टाइम रहता है आपके पास, या मिनिमम 1 मंथ तो रहेगा ही। 2-2.5 महीने आई थिंक, मुझे लगता है कि सफिशियंट है, प्रिपेयर किया जा सकता है GS 1 और 2 का नोट्स, और प्रैक्टिस भी की जा सकती है, बसरते आप ऐसे थोड़ा सा टाइम लेता है एक थॉट प्रोसेस डेवलप होने में। तो वो कोटेशन कहाँ से यूज करें ऐसे के लिए, क्योंकि अभी नया नया ऐड हुआ है, लोगों को पता नहीं है, तो ये कोटेशन ऐड करते हैं, क्योंकि कोटेशन ऐड होने से क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है, आंसर अच्छा हो जाता है। अच्छा, ठीक है, जहाँ तक ये ऐसे वाली ये बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड में बातें करनी होगी। इसके लिए आस्था पर हमने सर से बात की है, ठीक है, एक कोई प्रोग्राम होगी उसके लिए। मैं चाहूँगा आपके व्यूअर्स जो है बिल्कुल जरूर देखे हों, थोड़ा सा बता दीजिए तो और अच्छा रहेगा। ऐसे एक ऐसी चीज़ है जिसको ब्रीफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कोटेशन, तो लोग कोटेशन के पीछे दौड़ेंगे। मुझे जैसा लगता है कोटेशन एक ठीक है आपके ऐसे की खूबसूरती को बढ़ाता है, बट अपने आप में कोटेशन ही ऐसे नहीं है, बिना कोटेशन का भी बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि डिटेल में ऐसे की बिल्कुल शॉर्ट हो, ज़्यादा अच्छा। यहीं पर बात करें सर, बीपीएससी मेंस हो गया, मेंस के बाद इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, जहाँ तक बीपीएससी के इंटरव्यू का बात है, तो वाकई में यहाँ इंटरव्यू होता है, यूपीएससी जैसे पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप किस तरह से बात करते हैं, ये चीज़ आपकी ठीक होनी चाहिए। आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, नॉलेज उतना भी ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट मुझे लगता है कि उस समय में जो करंट में चीज़ें चल रही है उन चीज़ों से आप अवेयर रहें, न्यूज़पेपर उस टाइम में पढ़ते रहें। और हाँ, इंटरव्यू फेस करते टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना दिखें, आप मुस्कुराते रहिए, अपने आप को ईज फीलिंग करवाते रहिए, और जवाब दे तो मुस्कुराहट के साथ साथ जवाब दे। मुझे लगता है कि इसे बहुत बेहतर मार्क्स लिया जा सकता है। मेरे दोनों ही इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इस समय यूपीएससी का आपने मेंस दिया, जैसे अपनी बात हुई थी, तो यूपीएससी का आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये यूपीएससी का मेरा टेक्निकली ये थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट, तो पिछला क्या इश्यूज था? एक बार मैंने और मेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और इस टाइम दोबारा मैंने मेंस लिखा है। मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार जरूर कॉल लेटर आना चाहिए। पिछली बार मैं कॉल लेटर मेरा आने से 14 मार्क्स से मैं पीछे रह गया। ओके सर, आई होप आपकी बार आ जाए। और लास्ट में बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी 70 की प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए, मैं जो अभी आने वाले बीपीएससी की प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं, मैंने एक पोर्ट क्लास में भी मैंने रिपीट करा था, और मेरे एक सर कहा करते हैं कि रिजल्ट एंड एक्सक्यूज ऑन्ट गो टुगेदर। आप के साथ दोनों में से कोई एक ही चीज़ चल सकता है, या तो एक्सक्यूजेस या तो फिर रिजल्ट। मैं यही कहूँगा कि अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो एक्सक्यूजेस अपनी लाइफ का उसको ख़त्म कर दीजिए, और स्टडी कीजिए, स्टडी कीजिए, स्टडी कीजिए। मुझे लगता है कि इससे और दूसरी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन लास्टली जो आपको उस लेवल तक पहुँचाता है वो आपकी स्टडी है। ओके सर, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना अनुभव शेयर किया।
तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका और वही कोई क्वेश्चन है तो सर से दोबारा मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तब तक के लिए बाय बाय।